जाने कहीं से मार लेंगे यार। लाइट दो ना, लाइट चालू करो, अरे लाइट चालू करो। अरे अरे यार, व्हाइट लाइट किसका है? अरे कंसेंट करो पांडे जी, लाइट चालू करो ना। रूम में खाने को वार्म करना, तो वार्म करना। चलो सबका रोल है। वो लॉयर का रोल है, मैं एक्टर हूँ, कहाँ से कनेक्ट करूँगा इसको? नेचर वाइज कहाँ से कनेक्ट होगा? वो लॉयर है, मैं एक्टर हूँ, कनेक्ट करना मुश्किल है। लेकिन हाँ, फिल्म के बारे में बता सकता हूँ कि मेरा किरदार जो है लॉयर का किरदार है। और आ जाओ सेल्फी ले लेते हैं। सेल्फी ले लो, क्या कर रहे हो? अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है, अच्छा अच्छा मैं समझा सेल्फी ले रहा हूँ, वहाँ फ्लैश आ गया सडनली। और साथ में ये इसके अंदर जो भी आप देखोगे, देर आर रियल केसेस एंड बचपन में मैंने अकबर बीरबल की कहानियाँ सुनी थी, तो बीरबल जैसे आप लोगों ने भी सुनी होगी कि बहुत स्मार्ट आदमी था एंड हाउ यूज़ टू सॉल्व थिंग्स जो अकबर उसके सामने रख देता था, उसी पे कैरेक्टर को भी मैंने अपने आप को उस बीरबल के हिसाब से रखा हुआ है। इसीलिए माथे पे अगर आप देखोगे तो टीका लगा हुआ है। And so it was fun playing this character. What was the challenges you faced, and is it deliberate choice that you're taking such kind of roles? Is it your deliberate choice? Yeah, it keeps you always on the toes because you do different characters and you don't take your work for granted, you don't take your audience for granted, and you challenge yourself, and which keeps you motivated also. So it is a kind of a deliberate attempt that I try to do something different. जी मैंने स्टडी नहीं की, मेरे डायरेक्टर ने काफ़ी स्टडी की थी, जिन्होंने फिल्म लिखी भी है और डायरेक्ट भी की है। सो वैसे मेरे डायरेक्टर जो हैं वो एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट रह चुके हैं, तो उनको काफ़ी नॉलेज थी ये सब चीज़ों के बारे में, तो इसलिए उन्होंने ये फिल्म लिखी है। सो जितनी भी मुझे मेहनत करनी थी वो उन्होंने की थी, और उन्होंने मुझे बताया कि कैसे इसके ऊपर ध्यान दिया जाए और कैसे अपने आप को इसके अंदर सही रखा जाए। हाँ वो एक्चुअली हमारी फिल्म में रिलेशनशिप ऐसी है कि यू नो ही इज़ अ वेरी इज अ मैन हु वांट्स टू डू सो मच फॉर हिज फैमिली एंड ही वांट्स टू यू नो अर्न लॉट ऑफ मनी एंड टेक केयर ऑफ हिज वाइफ एंड शी इज ऑल्सो लाइक यू नो शी हैज देयर एस्पिरेशन। एक मिडिल क्लास फैमिली है तो हर फैमिली की एस्पिरेशन होती है कि हम यहाँ घूमने जाएँ या कोई अच्छी चीज़ खरीदें। सो दे कीप हैविंग दैट एंड बट एट द सेम टाइम इट्स अ रिलेशनशिप जहाँ दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और प्रोटेक्ट भी करते हैं। सो माई कैरेक्टर एटलीस्ट इज ऑफकोर्स यू नो आई फाइट विथ हिम or I'll be aggressive with him, but at the same time I'll be like I can say anything to you but nobody else to talk to jolly incorrectly, you know. So that's the kind of relationship that we have. Huma, jitne bhi kalakar ko akshay ji aap samne ek sweet complaint si hoti ki akshay bahut jaldi shoot karna start kar dete hain, bahut early in the morning he starts, which is a good thing. Aapke sath bhi jaisa experience tha early morning shoot? Well, I genuinely don't have any complaints. I think you know the one reason why he is so good at his work and he's so successful at what he does is because of his sense of discipline. And as an actress, I feel very happy that, you know, you come early but you also pack up early, you know, and it's all productive work. You don't come and faff and, you know, I mean, in 33 days you finish the whole film. I don't think anybody else can sort of, you know, deliver like a whole film in that kind of time.
And I think it's amazing. Any food habits that from Akshay which has got stuck with you? Because jitne bhi actors hote hain aur Akshay diet plan unka dekhe aate hain एक्चुअली हमने तो बड़े मजे किए लखनऊ में वी वर शूटिंग डाइट प्लान डाइट प्लान क्यों करेंगे नो 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 दिस इज अ रॉन्ग नोशन भैया आई ईट व्हाट यू ईट बट सिर्फ यही है कि 6:30 बजे लास्ट खाना होता है वैसे तो मैं भी मीठा खाता हूँ मैं भी पूरा जो जो कुछ खाना है चावल दही वेजिटेरियन सारा मतलब जो गुलाब जामुन खाने के बाद पान ये सब चीज़ें मैं करता हूँ ऐसा कुछ नहीं है सो बट हाँ एक एक सवा घंटा कसरत कर लिया एंड मतलब एक नॉर्मल जिंदगी जीना और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही है 6:30 बजे खाना खा लो लास्ट खाना आपका हो बस देन आई डोंट थिंक यू विल हैव एनी प्रॉब्लम खास करके डायबिटीज़ एंड हार्ट अटैक दीज आर द टू थिंग्स विच आर द मेजर प्रॉब्लम्स इन आर कंट्री You can control that only with one habit of 6:30 khana kha lo. And agar aap usme kahoge to main abhi us pe thesis likh dunga baithe. Kuma ji ko ek gana bhi dekha humne you and scooter pe Akshay romance kar rahe hain to wo kaisa tha experience? Main thoda dari hui thi kyunki main although scooty chala sakti hu maine pehle bhi ek film mein chalai hai but mujhe tha ki matlab ye piche baithe hue hain and I practiced a lot to ek hamare assistant ne maine usko bola tha darne ki zarurat nahi mera pair niche hai giregi to main to nikal jaunga maine kaha nahi but I was scared agar aapko lag gayi to aapke char producer aa jayenge mere keh to raha hu giregi nahi matlab main nahi girunga mera pair niche hai agar tu gir gayi to main to nikal jaunga aur lo ji heroine gir gayi फिर क्वेश्चन बदल दिया उसके बाद उससे पहले डाला था थॉट प्रोसेस तो उसी के अंदर है 5 मिनट का है सारा थॉट प्रोसेस उसी में नजर आ रहा है तो आई एम वेरी हैप्पी दैट द रिस्पॉन्स विद द गवर्नमेंट वॉज वेरी फास्ट एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट दैट दे रिस्पॉन्डेड सो फास्ट एंड आई होप एवरीथिंग गोज आउट एंड बिकॉज दिस इज नॉट फॉर this is a thing from the civilian to the army it's a respect to the army from the civilian so that was just the idea about it. actually wo trailer mein bhi humne dekha ki aap kehte hain ki kya salman khan ki shaadi ho jani chahiye to aap mante hain ki ye jo question hai wo national question ban chuka hai aisa sawal nahi nahi darling usme kya honi chahiye nahi kab hogi question wo hai so wo to ek aise hi apna dialogue likha tha क्योंकि आई वॉन्टेड टू वो जो जिसको मैं पूछता हूँ उसको मैं फंसाना चाहता हूँ तो वाकई में नहीं है ये जानना नहीं है वाकई में ये नहीं जानना है दैट इज़ हिज सलमान्स पर्सनल लाइफ एंड वो तो मैं उस आदमी को जो जिसके ऊपर क्वेश्चन कर रहा था उसको फंसाने के चक्कर में नहीं जी अभी तक मेरे साथ नहीं हुआ है मेरा मैंने कभी अभी तक कोर्ट के चक्कर नहीं काटे सर इस फिल्म में आप जो है कोर्ट में जाते हैं इसके बाद फिर आते हैं घर का सारा काम करते हैं तो क्या ये रियल लाइफ में हुआ है आपके साथ हाँ जी मैं आता हूँ घर पे मतलब आके खाना बनाता हूँ काम करने के बाद कभी कभी हाँ रोज नहीं मैं मुझे नहीं पता वो आपको फॉक्स को पूछना पड़ेगा बस यही कहूँगा कि लॉ को लेना नहीं चाहिए हाथ Done. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much.